तो लगातार ये हो रहा है, अशोक गहलोत के समर्थक जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, सचिन पायलट के समर्थक अपनी बात रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी कितनी सीटें वहां से कैसे जीतेगी, क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा लोकसभा में, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर मायने रखता है और उसके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसा प्रदर्शन प्रदेश में करती है। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं अभी पेच फंसता नजर आ रहा है, पर्यवेक्षकों की रायशुमारी ली जा रही है, बात की जा रही है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री होंगे, सचिन पायलट होंगे, इस पर भी संशय बरकरार है। और साथ ही साथ मध्यप्रदेश की अगर बात करें, मध्यप्रदेश में भी संशय बरकरार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। साफ तौर पर दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, समर्थक कर रहे हैं सीएम बनाने की मांग। प्रदीप कुमार हमारे साथ संवाददाता इस खबर में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या लगता है, क्या पर्यवेक्षकों की जो बैठक हो रही है वो अभी चल ही रही है, लेकिन ये नारे लगाना, क्या ये जताने की कोशिश हो रही है कि सीएम सचिन पायलट को ही बनाना है? देखिए, बड़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर शुरू हो गई है राजस्थान में। मुख्यमंत्री की रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और सचिन पायलट अपने समर्थकों के जरिए यहाँ पर दबाव बना रहे हैं, आलाकमान पर सीधा मैसेज दे रहे हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है और दिल्ली में अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी हुई है सचिन पायलट के समर्थन में। तो कहीं ना कहीं रेस में जो अशोक गहलोत आगे बढ़ते दिख रहे थे और ये परसेप्शन बन गया था कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री की कमान एक बार फिर संभालेंगे, क्योंकि वहां पर सीधे तौर पर बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को नहीं मिला है। ऐसे में जो अन्य जो विधायक हैं वो उनके बलबूते ये कहा गया कि वो संपर्क में है और ऐसे में ये साधने की चुनौती जो है वो सिर्फ गहलोत की काबिलियत है, इसलिए मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। ये नारेबाजी वहां पर उनके समर्थकों ने भी की, अशोक गहलोत के समर्थकों ने, तो एक लड़ाई यहां पर शुरू हो गई है और इसीलिए आलाकमान को अब दखल देना पड़ रहा है। सी वेणुगोपाल जो की पर्यवेक्षक थे और जो की राजस्थान के प्रभारी महासचिव है पांडे, अविनाश पांडे, वो राहुल गांधी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये इस नजरिए से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का यहाँ पर चुनाव जल्द से जल्द करना है और सवाल पूछे जा रहे हैं विरोधी खेमे से कि आखिर पार्टी जीत गई लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं था और इसलिए अब माथा पच्ची करनी पड़ रही है कांग्रेस को। तो ये जरूर है कि तीनों राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, वहां पर भी अभी ऐलान नहीं किया गया है मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश का धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि कमलनाथ वहां पर मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को वहां पर इस तरीके से एग्रेसिव होते अभी तक नहीं देखा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जो लड़ाई है कांग्रेस खेमे में वो जोर पकड़ रही है, सचिन पायलट के समर्थक वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, आलाकमान को निर्णय करना। आपको